पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान की गई है। कोरोना से बेरोज़गार होने वाले छोटे तबके के कारोबार या कम आमदनी वाले लोगों के लिए 3 महीने के अगले बिजली के बिल हुकूमत खुद अदा करेगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 75 अरब रुपये का छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज का एक ऐलान कर दिया है जो कि अब मंजूर भी हो गया है। ये जो 75 अरब रुपये का छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज है ये किस तरीके से अवाम तक पहुंचेगा, इसका रिलीफ अवाम को कैसे होगा ये मैं आपको बताई देता हूँ। पिछले साल मई जून जुलाई के बिलों में जितनी भी रकम आपको अदा करनी पड़ी थी वो आपको इस दफ़ा आपके अकाउंट के अंदर यानी कि आपका जो बिल होगा उसके अंदर आपको वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, यानी आपको अब मई जून जुलाई का बिल अदा करना नहीं पड़ेगा। ये रकम आपके अकाउंट में नेक्स्ट 6 मंथ तक पड़े रहेंगे। वफाकी काबीना की सादी राबता कमेटी ने वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत छोटे दुकानदार कारोबार बिजली के बिल मई से देने का ऐलान कर दिया है, जिससे 95% कारोबार और 80% सनतों को फ़ायदा होगा। मशीर हजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इजलास में 75 अरब रुपये के वजीर आजम छोटा कारोबार पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वजीर सनत अजहर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, छोटे कारोबार लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब भी अपना काम दोबारा शुरू करेंगे तो इनका 3 माह का बिल हुकूमत देगी। इस पैकेज से 35 लाख अफराद को फ़ायदा होगा, जिनमें छोटा दुकानदार, दर्जी, मार्केट, 5 किलोवाट और 70 किलोवाट वाले सनती कनेक्शन शामिल हैं। इन कारोबार के पिछले साल मई जून जुलाई के बिलों बिजली के बिलों की जितनी मजमूई रकम बनती है इतनी रकम इनके मई के बिलों में लोड कर दी जाएगी ताकि वो बिजली इस्तेमाल कर सकें और इन्हें बिल अदा न करना पड़े। ये रकम इनके अकाउंट में 6 माह तक मौजूद रहेगी क्योंकि कारोबार भी बंद पड़े हैं, जब भी कारोबार शुरू होंगे वो इस रकम से फायदा उठा सकेंगे। 32 लाख कमर्शियल कनेक्शन और 4 लाख छोटे सनती मुस्तफीद होंगी। इस पैकेज का हजम 50 अरब रुपए है, जिसका चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर इतलाक होगा।